हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनु है और आज मैं लेकर आया हूँ एक सच्ची घटना। गौरव तिवारी, भारत के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी। इनका जन्म 2 सितंबर 1984 दिल्ली में हुआ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका बचपन का यही सपना था कि वो एक कमर्शियल पायलट बने, और उनका परिवार भी यही चाहता था कि वह एक कमर्शियल पायलट बने। और इसकी पढ़ाई के लिए वह अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने वहाँ पर एक अपार्टमेंट में रूम लिया। उस रूम का किराया काफ़ी ज़्यादा कम था, इसलिए गौरव तिवारी खुश थे कि इतनी महंगाई में उनको एक सस्ता कमरा मिला। पर वो नहीं जानते थे कि वो कमरा उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गौरव तिवारी को 2-3 दिन तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर 2-3 दिनों के बाद उनको वहाँ पर एक अजीबोगरीब एहसास होने लगा। उन्हें लगता था कि उनके साथ कोई चलता है। अचानक ही किसी की हंसने की आवाज और अजीबोगरीब आवाज आया करती थी, पर गौरव तिवारी इससे डरे नहीं। गौरव तिवारी के आस पड़ोस वालों ने बताया कि यह एक बच्ची की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा यहाँ रहती है। जितने भी लोग यहाँ रहने आए हैं वो किसी ना किसी कारण से यहाँ कमरा छोड़कर चले गए। गौरव तिवारी के दिमाग में बात आई कि अब वह कमर्शियल पायलट की पढ़ाई छोड़कर वह एक पैरानॉर्मल रिसर्चर बनेंगे, और उन्होंने पैरानॉर्मल सब्जेक्ट रख लिए। पर एक बात है, उनका परिवार इन भूतों प्रेतों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता था। परिवार वाले इस चीज के खिलाफ थे कि गौरव तिवारी अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, पर गौरव तिवारी ने ठान लिया था कि अब वह पैरानॉर्मल रिसर्चर ही बनेंगे। एक किस्सा ऐसा भी है जहां पर गौरव तिवारी एक जेल में रिसर्च करने गए थे कि वो जेल इतनी ज्यादा खौफनाक है, जो भी मुजरिम वहां जाता है वो लौट के वो वापस नहीं आता। वहां के पुलिस कर्मचारी भी वहां पर 6 बजे के बाद जाने से कतराते हैं। वो जेल 250 साल पुरानी है, वहां पर कई बेगुनाहों की जान ले गई। गौरव तिवारी की रिसर्च में बहुत ज़्यादा पुख्ता रिपोर्ट्स मिली। उन्होंने अपने कैमरे से एक फोटो खींची, जिस फोटो में साफ साफ एक इंसान की परछाई दिख रही थी। इसके बाद गौरव तिवारी ने सोचा कि क्या मुर्दे भी बात करते हैं, और अपनी इस रिसर्च को पूरा करने के लिए वे एक मॉर्चरी रूम गए, मुर्दा घर, और उन्होंने अपनी वहाँ रिसर्च शुरू कर दी और उन मुर्दों के बीच में जाकर लेट गए। सोचिए कि कैसा महसूस होता होगा कि आपके चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे और आप बीच में अकेले। पर गौरव तिवारी को वहाँ पर कुछ ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस बीच गौरव तिवारी ने भारत की प्रसिद्ध जगह जिसका नाम है भानगढ़, उन्होंने वहाँ पर भी जाके अपने रिसर्च, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत मिले। अब आ जाता है 2015, 2015 में उनकी शादी हो जाती है और ये साल ऐसे ही बीत जाता है। अब आ जाता है 2016, इस बीच उन्होंने कई सारे टीवी शो भी किए जो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी टेलीकास्ट हुए। गौरव तिवारी अपनी रिसर्च में इन चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। K2 मीटर, EVP रिकॉर्डर, मोशन सेंसर, और उनकी टीम में कुल 4 लोग थे जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। गौरव तिवारी इन 2 लाइटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, लाल रंग की लाइट और हरी रंग की लाइट,
गौरव तिवारी का मानना था कि आप लाल रंग के लाइट में किसी चीज को एकदम साफ सटीक देख सकते हैं, और हरे रंग की लाइट में आप गड्ढों को बहुत आसानी से और आप उनकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए गौरव तिवारी इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। 6 जुलाई 2016, गौरव तिवारी अपनी एक रिसर्च के लिए दिल्ली के एक जनकपुरी एरिया में गए। वहां पर उन्होंने एक घर पे रिसर्च करनी थी। कहा जाता है वो घर इतना खौफनाक था, जो भी मालिक उसको खरीदता है उसकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती है, और जो वहां पर रहने आता है वो अपने आप को आग लगा के मार लेता है। तो वहां पर दिन में भी जाने से कतराते थे। शाम के 6 बजे उनकी रिसर्च शुरू होती है और रात के 1 बजे उनकी रिसर्च खत्म हो जाती है। रात के 1:30 बजे वो अपने घर जाते हैं। घर जाते ही उनका अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद गौरव तिवारी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। 7 जुलाई 2016, गौरव तिवारी अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं और कुछ समय बाद अपने बाथरूम की तरफ जाते हैं। गौरव तिवारी बाथरूम की कुंडी लगाते हैं और कुछ समय बाद बाथरूम से गिरने की आवाज़ आती है और उनका परिवार दरवाज़ा बहुत खटखटाता है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, और उनके परिवार वालों को आखिर वो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ते ही वो देखते हैं कि गौरव तिवारी ज़मीन पर गिरे हैं और उनका परिवार उनको एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उनको देख के ही बोल देता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया, पर उनका परिवार इस चीज के खिलाफ था। उनका परिवार का कहना था कि गौरव तिवारी सुसाइड कर ही नहीं सकते। उनका परिवार का कहना था कि गौरव तिवारी जब सुसाइड करते तो रात को करते, जब उनका झगड़ा अपनी बीवी से होता वह सोच समझ के सुसाइड नहीं करते। पर एक बात गौर करने वाली है, गौरव तिवारी के गले पर काले रंग का निशान था। जब मुजरिम को सजा देते हैं तो उसके गले पर एक नीले रंग का निशान बन जाता है। आपको क्या लगता है? और उनके दोस्त कहा करते थे कि गौरव तिवारी की मौत से 10-12 दिन पहले गौरव तिवारी उनको कहा करते थे कि उनको कोई नेगेटिव शक्ति अपनी ओर आकर्षित कर रही, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गौरव तिवारी की मौत एक सुसाइड थी या किसी काली शक्ति का काला सच? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आप किस बारे में क्या राय है। ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।